आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। 8.5 एंड रीडिंग में 100% पॉसिबल आफ्टर दिस वीडियो। इस तरह की वीडियो बनाने में ना बहुत एनर्जी लगती है, और जब पूरी वीडियो को देखते हो पूरी, तो वही एनर्जी मेरी बनाई हुआ आप में से ट्रांसफर हो जाती है, और उसी तरह आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीटली देखता है, कंप्लीटली इसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उन स्टूडेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ अपने लिए एक पूरी वीडियो को भी नहीं देख सकते हो, जिसमें ये चीज़ बताई गई हो कि उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हो सकती है, एंड 100% चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ द एनर्जी एंड द लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। तो जो स्टूडेंट्स को पूरी तरह से देखेंगे ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स और समझेंगे इसको प्रॉपरली ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली 8.5 एंड रीडिंग में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट 100% पॉसिबल है। जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट के लिए ये नहीं है, दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु विल वॉच द होल वीडियो फॉर देयर ओन लाइफ एंड दे विल डू वेरी वेल। मैथ्स हेडिंग है आपकी, मैथ्स हेडिंग वाला जो सेक्शन रहता है वो आपके ऑलमोस्ट 10 टू 12 नंबर कंज्यूम कर लेता है। 10 टू 12 नंबर का मतलब होता है, जैसे कल भी हमने डिस्कशन की थी कि 5 टू 6 मैथ्स हेडिंग्स आ जाती हैं, समटाइम्स 6 टू 7 मैथ्स हेडिंग्स आ जाती हैं, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि 6 टू 7 मैथ्स हेडिंग्स आ गई, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा हो ही जाता है कि 6 टू 7 आपके विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के जो लोगों के साथ इसका संबंध रहता है, जो मैथ्स हेडिंग रहती है, दैट मींस आपका जो 25% मार्किंग, आप सोचकर देखिए 25% मार्किंग मैथ्स हेडिंग वाला सेक्शन एंड 25% मार्किंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यस नो नॉट गिवन, और जो 25% ऑलमोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ आ जाती है। तो जो आपकी मेजर स्कोरिंग डिफाइन होती है कि कहां से आपकी स्कोरिंग शुरू होगी, वो इन्हीं की वजह से होता है, और जो बाकी स्कोरिंग आपकी अबव आती है तो उसके में आपका राइटर नेम आ जाते हैं, राइटर किस राइटर ने ये चीज की, या फिर एक उसके बाद कौन से दो ऑप्शन सही हैं आपके, इस तरह से चला जाता है। तो मैथ्स हेडिंग को परफेक्ट करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है ताकि आप इसमें से प्रॉपरली अपनी स्कोरिंग ले सको। तो समझिए प्लीज इसको कैसे करना है। तो मैथ्स हेडिंग में क्या होता है कि ये आपकी इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा मैथ्स हेडिंग। हम ज्यादातर फोकस मैथ्स हेडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर करेंगे और फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। मैथ्स हेडिंग आपकी स्कोरिंग आपको बहुत ज्यादा दिलवा देगी। तो इसको करने का मेथड क्या है, यूजली हमें ये कहा जाता है कि फर्स्ट लाइंस और लास्ट लाइंस के ऊपर पढ़ना चाहिए हमें, दैट इज फाइन, ओके वो मेथड भी सही है, बट मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों रेकमेंड नहीं करता, उसका कारण क्या है, जैसे ये मैं अगर आपका पूरा पैसेज, अगर ब्लैक स्क्रीन ओके पूरा पैसेज आप देखोगे, पूरे पैसेज में सिर्फ मैच द हेडिंग्स नहीं होती आपके पास, यू हैव टू डू अदर थिंग्स टू, आपके पास काफी ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे ये भी आपकी रियल एग्जाम रीडिंग है, मींस एक एग्जाम में आई हुई है, तो उसमें भी आप देखिए ये वाले क्वेश्चंस चले गए, टू लेटर्स कोई भी सिलेक्ट करें, फिर आपके पास फिर 9th 10th क्वेश्चन इसी तरह से आ गया, थोड़ी बहुत इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गए, चलो दो फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, दैट मींस आप सिर्फ और सिर्फ मैच द हेडिंग्स को नहीं कर रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिसको आप कर रहे हो। तो आपने इसकी फिलॉसफी समझनी है कि किस तरह से इसको कंडक्ट किया जाता है ताकि इसको प्रॉपरली आप समझ सको। सो मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ मैच द हेडिंग्स नहीं कर रहे हो, आपने मान लीजिए 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक आपने कहा कि मैं तो पहले 7 क्वेश्चन ही करूंगा, मान लीजिए 7 क्वेश्चन करते करते तो जी पैराग्राफ आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जी पैराग्राफ के बाद तो नहीं ढूंढेंगे इनको, दैट मीन्स ये वाले क्वेश्चंस आपके साथ साथ में ही रहते हैं। इसीलिए जो बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड वो क्या है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ना, मैं इसको सारा प्रैक्टिकली बताऊंगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ना ताकि हम सिर्फ मैच द हेडिंग ना करें, इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी करें। अभी जो मैच द हेडिंग का मेथड क्या है, मेथड यही है कि आपने आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई टू फाइंड द आंसर, ओके आपने आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, यू विल नॉट ट्राई टू फाइंड द आंसर, रेदर उसकी बजाय यू विल ट्राई टू फाइंड व्हाट नॉट इज द आंसर। बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, 100% गारंटी देता हूं इंप्रूवमेंट होगी। मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि लाइफ में हमें ये नहीं पता होता है कि करना क्या है, बट वो वाला पर्सन लाइफ में बहुत आगे होता है जिसको एटलीस्ट ये पता होता है कि मैंने लाइफ में क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि आप कौन सी स्टडी वगैरह करना चाहते हो, आपको यू हैव नो आइडिया, बट आपको एटलीस्ट ये पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज मोबाइल फोन फॉर अननेसेसरी पर्पसेस, टिकटॉक वगैरह
इंस्टाग्राम वगैरह आप डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे कि आप उससे कुछ अच्छा ले सकते हो, बट इफ यू आर यूजिंग दैट फॉर इन अ नेगेटिव फैशन वो अच्छा नहीं है। तो मीन्स एटलीस्ट आपको नहीं पता कि लाइफ किधर जा रही है, बट एटलीस्ट आपको ये पता है कि इस तरफ नहीं जाना। बिलीव मी आप बहुत आगे हो लाइफ में। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज, जैसे मैं ये चीज मान लूं, सारी चीज मान लूं, ये सब कुछ मैंने समझ लिया, इसको हम ना प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में ये इतना डिफिकल्ट होता ही नहीं है। आपने सिंपल तौर पर क्या करना है, वेरी सिंपल मेथड, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, क्योंकि आप सिर्फ मैच द हेडिंग नहीं कर रहे हो, देयर आर अदर थिंग्स दैट यू आर आल्सो डूइंग। तो जब आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लोगे, पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारा पैराग्राफ पढ़ा और सारा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको लगा कि यू आर 100% श्योर। मान लीजिए इसमें से आपको ये वाली चीज थी, ये वाली चीज थी, आपने जो जो भी लिस्ट पढ़ी उसमें से आपको लगा कि 100% श्योरिटी है कि इस वर्ड की तो बात ही नहीं की, लीव दैट आउट, इमीडिएटली लीव दैट आउट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी जगह पर, लेट्स से गवर्नमेंट, आपका जो भी टॉपिक आएगा, लेट्स से हमने वो पैराग्राफ पढ़ा और यू आर 100% श्योर कि गवर्नमेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई, जस्ट लीव दैट आउट इमीडिएटली। सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक की वर्ड भी आपको लगे कि दिस थिंग इज नॉट मेंशन्ड, जस्ट इमीडिएटली लीव दैट आउट, उसको उसी समय बंद कर दें और अपना ऑप्शन निकाल दें। हम क्या करते हैं, हम लालच करते हैं कि हमने आंसर ढूंढना ही ढूंढना है, दैट थिंग इज नॉट गुड फॉर अस, वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसकी बजाय ये चीज कोशिश करें कि विच थिंग इज नॉट मेंशन, और आपको मे भी लग रहा होगा कि आपको टाइम लगेगा इसमें, नो बिलीव मी, ये चीजें ना बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपके अभी, ताकि आप इसको समझ सके। तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, अभी इस पैराग्राफ को पढ़ने जा रहा हूं, सो आई विल बी विद यू। तो मैं आपको स्लो चलेंगे क्योंकि हमने लाइफ बनानी है इसमें, और हमें ये भी पता है कि इस तरह की जो रीडिंग है आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, इसीलिए वी विल बी वेरी स्लो, ताकि हम जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसको प्रॉपरली समझ सके। सो देखिए, पहले आपका टॉपिक क्या है, इज देयर साइकोलॉजिस्ट इन द बिल्डिंग, किस तरह का साइकोलॉजिस्ट वगैरह होता है, ये आपका टॉपिक है। तो प्लीज बी विद मी, बी वेरी एनर्जेटिक, सॉरी से एनर्जी के साथ चलें, आपके पास मतलब ना उम्मीद होनी चाहिए, ओके, आपको पूरी उम्मीद होनी चाहिए। पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले कि जब भी आप किसी से भी आप उम्मीद रखते हो, लेट्स से यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम मी, तो आपको उम्मीद होनी चाहिए, ऐसे मरे से एटीट्यूड के साथ नहीं आना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पास हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, इस बंदे से अगर कोचिंग ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम मी, और कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर जो एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए कि यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग, इस तरह से आप चलेंगे, ओके। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपके एनर्जी लेवल और मेरे एनर्जी लेवल दोनों बहुत हाई लेवल पर चल रहे हैं, तभी मजा आएगा। सो देखिए, द स्पेस अराउंड अस अफेक्ट्स अस प्रोफाउंडली, हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है स्पेस। रिबिल्डिंग ऑफ वन साउथ लंडन स्कूल एज ए स्ट्राइकिंग इमोशनली बिहेवियरली कॉग्निटिवली। सो हमने ये चीज पता की जब हमने साउथ लंडन स्कूल में थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की, उसको रिबिल्ड किया, हम इमोशनली भी अफेक्ट हुए, मतलब आप कैसी जगह पर रहते हो, बिहेवियर भी हुआ और आपकी दिमागी क्षमता भी हुई। इन ब्रिटेन दैट एग्जाम्पल ऑफ हाउ बिल्डिंग डिजाइन कैन अफेक्ट ह्यूमन स्पेसेस चेंजिंग एट अ पेस नॉट सीन फॉर अ जनरेशन। सो कहते हैं कि ब्रिटेन में हमने देखा कि डिजाइन की वजह से इतनी चेंजेस आ गई कि अब हम डिजाइन को बहुत ध्यान देने लग चुके हैं, और ये चीज इतनी ज्यादा जल्दी से, जो जैसे लिखा ना चेंजिंग एट अ पेस, बहुत तेजी से हो रही है, कि जो चीज हमने पिछली बार नहीं नोटिस की थी, बिहेवियर पॉजिटिवली हम अच्छी तरह से जा रहे हैं। बिफोर इट्स रीडिजाइन इट वॉज श्योरली साइकोलॉजी हैज समथिंग टू से अबाउट ऑल रैंक एज अ वर्स्ट स्कूल इन द एरिया। सो कहते हैं पहले इसको रीडिजाइन नहीं किया गया था, ये सबसे बेकार एरिया माना जाता था, बस सबसे बेकार स्कूल, बट इज एनीवन लिसनिंग, पर कोई ध्यान भी दे रहा है, देयर इज अ ह्यूज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द कंट्रीज 20 मोस्ट अमाउंट ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च दैट इज रेलेवेंट बट इम्प्रूव्ड स्कूल्स, बट अभी इसको इम्प्रूव्ड स्कूल्स के अंदर माने जाने लग गया है। एट द मोमेंट वी आर टॉकिंग टू अवर सेल्फ सेज क्रिस स्पेंसर, हम अपने आप से बात कर रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। स्पेंसर ने कहा कि ही गेव इन विच ही कॉल्ड ऑन फेलो, उसके जो साथी रिसर्चर्स थे, टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स टू आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स। तो उसने कहा कि जो अपने आर्किटेक्ट्स वगैरह उनके साथ बात करें कि मैंने इतनी बड़ी खोज कर ली है, परंतु आई वॉज अमेज्ड एट द रिस्पॉन्स ऑफ मैनी ऑफ द सीनियर रिसर्चर्स, बट मैं तो हैरान रह गया। हुवुड से उन्होंने पता क्या कहा, आई एम डूइंग माई रिसर्च फॉर प्योर साइंस, मैं तो इसको साइंस के लिए कर रहा हूँ, द इंडस्ट्री कैन टेक इट और लीव इट। इंडस्ट्री कौन सी है,
जो डिजाइनिंग इंडस्ट्री है वो तो इतना खुश था कि उसने बड़ी अच्छी चीज निकाली है, बट उन्होंने पता क्या कहा कि हम इसको कर तो रहे हैं, बट इससे इंडस्ट्री को कोई फायदा हो या ना फायदा हो वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्री से समझ भी सकती है, नहीं समझना चाहे नहीं भी समझ सकती है, बट देयर आर मॉडल्स ऑफ हाउ टू अप्लाई इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। बट कहते हैं हमारे पास ऐसी स्टडी है कि इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब भी ऐसा नहीं है कि वहां पर पौधे वगैरह लगे हैं, इन्वायरमेंट का मतलब होता है जैसी जगह पर आप बैठे हो, आपके चारों तरफ आपका घर। इफ यू नो वेयर टू लुक, प्रोफेसर फ्रांसिस कुओ इज एन एग्जाम्पल। तो उन्होंने कहा कि एक वो एक अच्छी एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, शुरू शुरू में हमने देखा कि एक स्कूल था, बड़ा बेकार सा स्कूल था, बड़ा अच्छा बन गया, और उसके बाद जो सेकंड चीज आई, सेकंड चीज आने के बाद हमने देखा कि जो भी सेकंड चीज है वो यही है कि उसके बाद अच्छा हो गया, और जब उसने बताया तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनका, राइट? तो हमने इस चीज को पढ़ा। सो अगेन यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई टू फाइंड द आंसर, आप नहीं आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, यू विल ट्राई टू फाइंड व्हाट नॉट इज द आंसर एंड अंडरस्टैंड। मैं आपको कुछ चीजें सिंपल तौर पर बात करता हूँ, सिंपल, वेरी सिंपल। चलो देखिए, मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट की बात की है, डू यू थिंक गवर्नमेंट के बारे में बात हुई है? इसको सोचिए, आंसर ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे, हमने सिर्फ सिंपली कहा कि जो गवर्नमेंट है इसकी बात हुई है, प्लीज पार्टिसिपेट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, शुरू से लग जाते हैं। चलो, अ कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर बिल्डिंग्स, सिमिलर बिल्डिंग्स की भी बात हुई है, डू यू थिंक क्या हमने किस तरह की सिमिलर बिल्डिंग नहीं की, क्योंकि हम सिर्फ एक स्कूल की बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल की। नेगेटिव, देखिए नेगेटिव रिएक्शन, लोकल, वहां के लोकल लोगों की बात की है, बताइए लोकल लोगों की बात की है, डू यू थिंक नहीं की, 100% नहीं की। एन अनयूजुअल जॉब फॉर अ साइकोलॉजिस्ट, हमने किसी तरह की अजीब जॉब की बात की है, डू यू थिंक अजीब जॉब की, नो बात। ओके, अ टाइप ऑफ बिल्डिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस, सो कहते हैं कि एक तरह की बिल्डिंग जो कि पहले ही बताई, प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि ऑलरेडी बताई हुई गाइडलाइंस, क्या ऐसी कोई बात हुई है, डू यू थिंक नो। उसका फेलियर टू यूज अवेलेबल इंफॉर्मेशन, फेलियर, किसी तरह के फेलियर की बात हुई है या फिर अवेलेबल इंफॉर्मेशन की कोई बात हुई है, नो, कोई बात नहीं हुई। एकेडमिक्स विद एन अनहेल्पफुल एटीट्यूड, एक ऐसी स्टडी जिसका कुछ ज्यादा मतलब भी हेल्प करना ज्यादा फोकस नहीं था, क्या ऐसी कोई बात हुई है, नो। ओके, यहां पर हम इसको भी हाईलाइट कर देंगे। ओके, अ रिफ्यूजल बाय आर्किटेक्ट टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, निंदा की बात, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा करना, क्या किसी को बड़ा बुरा कहा गया है, नो। अ यूनिक कॉपरेटिव स्कीम, एक ऐसी स्कीम जिसमें कॉपरेशन हो, दो लोग तीन लोग मिलकर काम कर रहे हो, क्या ऐसी बात हुई है, नो। द एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, क्या एक्सपेंड हो रहा है वहां पर, स्कोप क्या एक्सपेंड कर रहा है, फोर्सफुली नहीं लगाना, अगर आपको लगे नो जस्ट से नो, क्या लगता है, नो, किसी स्कोप की बात नहीं हुई यहां पर। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेंडिंग स्कोप, नो, दैट मींस देखिए यहां पर कोई स्कोप नहीं हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहां पर उन्होंने क्या कहा कि इससे ये चीज फर्क पड़ती है कि नहीं पड़ती है, वी डोंट केयर। देखिए यहां पर हमें आंसर नहीं मिला, दैट इज वेरी गुड, हमें आंसर नहीं मिला जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपके साथ ये रीडिंग इस तरह से करना चाहता हूं कि जैसे हम रियल एग्जाम में कर रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। सबसे अच्छी हैबिट आपकी ये है कि आप उसको छोड़ दें, लीव इट आउट, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लीव इट आउट, बी पैराग्राफ पर चले जाएं, आ जाइए आगे मेरे साथ रहें, स्टिक करें, आपको समझ आएगा। देखिए कुओस वेबसाइट, जो इसका नाम कुओस है, प्रोवाइड्स पिक्चर्स एंड प्लेन इंग्लिश। The collaborative project currently summarizes of research conducted by her human stands as a one-off experiment. उन्होंने किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है? Among these is trainee architects. वहाँ पर कुछ लोग हैं. Will go away with some a study using police records that found inner city जो वहाँ की inner city की बात कर रहे हैं. Surrounded by more vegetation suffered. उन्होंने किसी जगह पर रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि जो 52% वहां पर, अगर देखिए वहां पर घास फूस लगा था, वेजिटेशन लगी थी, पौधे वगैरह लगे थे, उस सिटी में कम क्राइम हुआ है देन अपार्टमेंट ब्लॉक्स विद लिटिल और नो ग्रीनरी। सो कहते हैं कि अगर आप ऐसी जगह पर जाओ इनर सिटी में जहां पर अगर तो पेड़ पौधे लगे हैं वहां पर कम क्राइम होता है, और वहां पर अगर नहीं लगे हैं तो ज्यादा क्राइम होता है, 52% का डिफरेंस। फ्रांसिस को एंड हर को रिसर्चर विलियम सुलिवन बिलीव That greenery reduces, greenery की वजह से क्राइम कम हो जाता है, so long as visibility is preserved, जब तक आपकी निगाह जाती है, because it reduces aggression,
आपको पता होगा ग्रीन कलर देखने से अग्रेशन कम हो जाता है, ब्रिंग्स लोकल रेसिडेंट्स टुगेदर, लोग वहां पर बाहर आने लग जाते हैं, एंड द कंस्पिशियस प्रेजेंस ऑफ पीपल दैट आर क्रिमिनल्स, जैसे वहां पर ग्रीनरी वगैरह होती है वहां पर लोग आने लग जाते हैं, दैट्स उसकी वजह से ये चीज चलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो वेजिटेशन की बात की हुई है, वेजिटेशन की जगह पर कम क्राइम होता है, सिंपल सी ये चीज बात हुई है। आगे देखिए कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर बिल्डिंग्स, क्या लगता है कि सिमिलर बिल्डिंग्स की कोई बात हुई है? डू यू थिंक देयर इज समथिंग लाइक दैट? सो प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, दूसरे में देखिए नेगेटिव, इसमें कुछ नेगेटिव का है, नेगेटिव रिएक्शन मतलब चलो लोकल पीपल की बात हुई है, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल पीपल मिल गए वहां पर तो सीधा लगा दिया, मैंने कहा है कि एक भी कीवर्ड आपको लगे कि वहां पर मेंशन है नेगेटिव नहीं हुए, कोई जॉब की बात हुई है, देखिए कितना सिंपल है, कोई जॉब की बात हुई है? नो। अ टाइप ऑफ बिल्डिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस, ऑलरेडी कोई गिवन गाइडलाइंस की बात हुई है वहां पर? नो। गवर्नमेंट की कोई बात हुई है? डू यू थिंक गवर्नमेंट की कोई बात हुई है? नहीं हुई। फेलियर की कोई बात हुई है? नहीं हुई। अनहेल्पफुल एटीट्यूड की कोई बात हुई है? नहीं हुई। क्रिटिसिज्म की कोई निंदा की बात की हुई है? ठीक है, मैं यहां पर एक चीज देखिए, हमें एक चीज दोबारा देखिए, आपको पता है कि जो आपका पैसेज था वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नहीं कोई निंदा की बात नहीं हुई, क्रिटिसिज्म की बात नहीं हुई जवाब। ओके, हमें ये पता था कि, और मे बी आपने कहा कि यस फॉर द पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट की आपने, सारा पैराग्राफ पॉजिटिव था, इसको प्लीज ध्यान से समझना है। अभी देखिए दूसरा ऑप्शन, सिक्स्थ ऑप्शन, सेवंथ ऑप्शन, एट्थ ऑप्शन, नाइन्थ, यहां पर देखिए ये वाले ऑप्शन यहां से लेकर यहां तक जो ऑप्शन गए हैं वो नेगेटिव हैं, और यहां से लेकर ये वाला ऑप्शन भी नेगेटिव, मतलब चार ऑप्शन हमारा जो पैसेज था उसमें क्या बात की हुई है? पॉजिटिव बात की हुई है, यहां पर अग्रेशन कम होता है, अच्छी बात की हुई है। दैट मीन्स जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, सिक्स सेवंथ और एट्थ ऑप्शन है, ये तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। इस तरह से भी आपने सोचना है कि सारा पैसेज वहां पर पॉजिटिव है बट ये तो नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अ यूनिक कॉपरेशन, कोई कॉपरेशन की बात हुई है? दो तीन अलग अलग तरह के लोग कोई कॉपरेशन कर रहे हैं, किस तरह की बात हुई है? व्हाट डू यू थिंक? नो। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, क्या स्कोप उसका बढ़ रहा है? डू यू थिंक? नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, राइट right? हमने वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी की हुई है, दैट मीन्स हमें बी का आंसर भी नहीं मिला, विच इज अगेन वेरी गुड। मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं इससे जानबूझ कर मैं इसका आंसर मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ताकि जो आप रियल में एग्जाम जब आप करोगे तो आपको प्रॉपरली हेल्प हो। ओके, सिर्फ यहाँ पर आपका मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको आंसर समझा कर चला जाऊं। आगे अभी चलते हैं, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स आर इंक्रीजिंगली, एक बार चलते हैं आगे, इन डिमांड, कहते हैं कि उनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। ओके, सेज डेविड, प्रोफेसर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, वी आर आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द प्लानिंग, डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेनी डिफरेंट एनवायरमेंट्स, हमें यहाँ पर नेबरहुड ऑफिसेज, स्कूल्स, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट के पास, हमें यहाँ पर जो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्या आपके किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा लग रहा है कि हमने इसके जैसा कोई ऑप्शन पढ़ा है? मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, कुछ आ रहा है दिमाग में कि हमने कुछ, यस एग्जैक्टली यही बात कर रहा था, आई एम फीलिंग गूसबम्प्स, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर आपने क्या लिखा, दैट मीन्स ये आपका टेंथ ऑप्शन बिना सोचे समझे आपके दिमाग में जाकर लगा, क्यों लगा ये चीज? ओके, इसका रीजन क्या? यस, टेंथ आंसर, यही चीज मैं चाहता हूँ। हमने तीन क्वेश्चंस किए बट उसमें से सिर्फ हमें दो का आंसर मुश्किल से हमें नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, बट हमने क्योंकि इसको इतने बार पढ़ लिया है, हमने विदाउट वेस्टिंग टाइम ए और बी का आंसर ढूंढने की कोशिश की, हमें नहीं मिला, और हमने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की। आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसका ये आंसर, आई गेस ए पैराग्राफ पता नहीं बी का लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी आपको पता होगा कि जल्दबाजी करने से कितना नुकसान होता है। ओके, और हमने यहाँ पर देखा, देखिए किस तरह से मैच हो रहा है, उन्होंने कहा ना एक्सपेंडिंग स्कोप, जो एक्सपेंड हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम बहुत डिमांड में हैं, हमें कहाँ कहाँ पर बुलाया जाता है, प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, मैनेजमेंट में, ये सारी चीजें, नेबरहुड्स में, ऑफिसेस में, स्कूल्स में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में। यही फायदा रहता है कि जब आप लगातार आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, जो नहीं मिलता उसको छोड़ देते हो। आगे चलिए, आगे चलते हैं। Ozel has been involved in a pioneering project, pioneering का मतलब शुरुआती subject, between MSc students in England and Scotland. Architecture students in Scotland acted as designers. So जो वहां के दो तरह की teams थी, एक team क्या थी, pioneering subject थी, एक तो MSc student थे,
इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स थे स्कॉटलैंड में, वो डिजाइनर के तौर पर काम किया, बट जो इन्वायरमेंटल जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे उन्होंने कंसल्टेंट के तौर पर किया। एज टुगेदर दे वर्क एज ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट इन अ रन डाउन एरिया ऑफ ग्लासगो। वहां पर उन्होंने इस तरह से, मतलब दो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आए। द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एनकरेज आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट हु देयर क्लाइंट ग्रुप वाज। उन्होंने उनको काम दिया टू कंसिडर इश्यूज ऑफ क्राउडिंग एंड सोशल कोहिजन। कुछ अभी दिमाग में आ रहा है, यहां पर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ओके, यहां पर देखिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपके दिमाग चलने लगा है अभी, राइट। उन्होंने कहा कि दो अलग तरह के स्टूडेंट थे, उनको अलग अलग लेवल के स्टूडेंट के ऊपर कहा, राइट। तो क्या यहां पर इसका आंसर, डी का आंसर क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक, डी का आंसर क्या आएगा? बिल्कुल, अभी आप देख रहे हो कि वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द आंसर। हमने किसी भी तरह का आंसर, देखिए एक चीज की बात करें, मैं आपको फिर एक चीज समझाता हूं। क्या आपको, आप इस चीज की श्योरिटी देते हो कि उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव बात नहीं हुई है? इस चीज के बारे में सभी स्टूडेंट्स क्लियर हैं कि नहीं, कि किसी भी तरह की नेगेटिव बात नहीं हुई है? और जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो आपका नेगेटिव के बारे में है, सिक्स ऑप्शन आपका नेगेटिव के बारे में, सेवन्थ ऑप्शन नेगेटिव के बारे में, एट्थ ऑप्शन नेगेटिव के बारे में है, मतलब चार ऑप्शन तो आपके ऑटोमेटिकली कम हो गए। कोई आपके लोकल रेसिडेंट्स, चलो सिमिलर बिल्डिंग्स की बात नहीं की, ये हमारा ऑप्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसको मैं चलो डिलीट ही कर देता हूँ, जरूरत ही नहीं, इसको डिलीट करते हैं पहले तो। ओके, और ये भी आपके नेगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो हमने क्या किया, ये आपका आंसर जो आपका यूनिक ऑपरेशन, डेफिनेटली हमने चार क्वेश्चंस पढ़े, चार में से हमें दो का आंसर नहीं मिल पाया, बट वी आर मोर देन हैप्पी, क्योंकि अब बी का आंसर 10th लगाने वाले थे। सोचिए, ये ना एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं ना, एक लो एक के साथ एक फ्री, अगर एक गलत हुआ एक के साथ एक और गलत फ्री में मिलेगा, और अगर एक सही हुआ तो एक के साथ एक और फ्री में मिलेगा। फिर हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमें एक भी कीवर्ड लगा कि नहीं है वहां पर, हम इमिडिएटली उसको लीव आउट कर देंगे। और हमें ये देखिए, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक भी कीवर्ड ऐसा लगा, सो देखिए दोबारा इसको करते हैं, ई पैराग्राफ में आ जाइए, हमने अभी डी किया था, यस। सो हिलेरी बार्कर, सो इन्होंने किया, अ रीसेंट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी नाउ वर्क्स फॉर अ डिजाइन कंसल्टेंसी। तो उन डिजाइन कंसल्टेंसी के लिए बात करते हैं। देखिए मैं फिर एक बार ऑप्शंस पढ़ना चाहता हूं, जो हमने पिछला ऑप्शन किया, अ कंपैरिजन नहीं था, किसी भी तरह का नेगेटिव रिएक्शन लोकल पीपल का नहीं था, एन अनयूजुअल जॉब, किसी अलग अजीब तरह की जॉब के बारे में बात नहीं थी, अ सेम टाइप ऑफ बिल्डिंग नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, और ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए क्योंकि वो नेगेटिव थे, और यहां पर हमने इस ऑप्शन को भी खत्म कर दिया। ओके, तो आपने इनको देखना है। तो आगे देखिए, तो देखिए हिलेरी बार्कर, अ रीसेंट ग्रेजुएट साइकोलॉजी नाउ वर्क्स फॉर अ डिजाइन कंसल्टेंसी, शी इज पार्ट ऑफ अ 4-person रिसर्च टीम। तो अभी वो एक रिसर्च टीम का हिस्सा है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वर्क ऑफ द कंपनी इन हेल्पिंग क्लाइंट्स यूज देयर ऑफिस स्पेस। वो उनको मदद करती है कि कैसे अपनी स्पेस को ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकें। अभी यहां पर ना रिसेंट में एक न्यूज आई थी, वहां पर पता क्या हुआ, एक सीईओ था, सीईओ सीईओ समझता, जो कंपनी को चलाता है, सर कंपनी को चलाता है, उसने एक लड़की को हायर किया कि जब भी वो फेसबुक उठाएगा ना, जब भी अपना फोन यूज करेगा फेसबुक को यूज करने के लिए, दो मारे लगा के उसको साथ ही में, उसको मतलब सीधा स्लैप कर दे। उसकी वजह से उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो गई है, जब भी वो टाइम वेस्ट करता था फेसबुक के ऊपर तो वो जो लड़की होती थी वो उसको मार देती थी। इसी तरह से क्या है कि उसने उसने मदद की जो अपने स्पेस को, इसका जो काम क्या था कि अपने स्पेस को प्रोडक्टिवली किस तरह से बेटर करना है। हर टीम ऑल हैव बैकग्राउंड्स इन साइकोलॉजी और सोशल साइंस, बट द रेस्ट ऑफ द फर्म कंसिस्ट्स मेनली ऑफ आर्किटेक्ट्स। तो उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें हैं, चलो कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी बता रहे हैं, मैं फिर वही मेथड यूज करूंगा, क्या सिमिलर बिल्डिंग्स के बारे में कोई बात हुई है? अगेन, अगर आपको आंसर पता भी है तो भी जल्दबाजी नहीं करनी, सिमिलर बिल्डिंग्स के बारे में बात हुई है? नो। नेगेटिव रिएक्शन की कोई बात हुई है? लोकल पीपल की ही बात नहीं हुई, लीव दैट आउट। ओके, अनयूजुअल जॉब, क्या इस तरह की कोई बात हुई है, कोई अजीब सी जॉब, राइट? यस, आपकी जो अनयूजुअल जॉब की बात हुई है, बट अभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। कोई बिल्डिंग जो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड गाइडलाइन से फायदा ले रही है, नो, इसकी बात नहीं हुई। गवर्नमेंट की बात ही नहीं हुई, उसके बाद तीन ऑप्शन, फिर नेगेटिव, इन तीनों की बात नहीं हुई। You can see कि तीनों ऑप्शन तो कितने आसानी से कट गए। फिर आपका जो ओनली ऑप्शन बच गया, इस तरह से आ जाएगा, होपफुली यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। मैं क्या करता हूँ कि आई विल नेवर ट्राई टू फाइंड द आंसर,
आई विल नेवर डू दैट, ओके, आई विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड व्हाट नॉट इज द आंसर. उसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि दिस थिंग इज नॉट मेंशन. आपने ज्यादा सोचना ही नहीं है, दिमाग में नहीं है. आपने ये देखिए, यहाँ पर आपके साइकोलॉजी, मान लीजिए प्रिस्क्राइब का मीनिंग नहीं पता, अब अ टाइप ऑफ बिल्डिंग की बात नहीं की, छोड़ दीजिए. आपने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी का यूज किया, वहां पर गवर्नमेंट वर्ड जो आसान से आसान वर्ड है ना, उसको उठा लें. आसान से आसान वर्ड को उठाओगे, स्टिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, आप उसको समझ पाओगे. आगे आ जाइए, यहाँ पर ये भी हमारा कवर हो गया. सो वन एरिया वेयर द फाइंडिंग्स फ्रॉम एनवायरमेंट बिहेवियर सर्च हैव सर्टेनली इन्फ्लुएंस बिल्डिंग इज इन हॉस्पिटल डिजाइन. सो कहते हैं कि इसने हॉस्पिटल डिजाइन को काफी ज्यादा इंपैक्ट किया है. द गवर्नमेंट, चलो पहली बार गवर्नमेंट आ गई. द गवर्नमेंट हैज अ चेकलिस्ट ऑफ क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट इन द डिजाइन ऑफ ए न्यू, मैंने आर्टिकल बोल दिया, अ न्यू हॉस्पिटल लगा लीजिए चलो. तो कहते हैं गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम बनाई है कि वो चीजें आपने 100% करनी ही करनी है जब आप हॉस्पिटल को बना रहे हो. एंड दीज आर ड्राइव लार्जली फ्रॉम द वर्क ऑफ द बिहेवियर साइंटिस्ट प्रोफेसर रॉजर उलरिच, जो भी इनका नेम है, क्रिस स्पेंसर से. सो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसी चीज मैंडेटरी कर दी है कि वो चीज हॉस्पिटल्स में होनी ही होनी चाहिए. और इस वर्क हैज शोन फॉर एग्जांपल हाउ द व्यू फ्रॉम अ पेशेंट्स विंडो, कहते हैं कि लोगों का जो व्यू रहता है कि वो उनकी रिकवरी को कितना इंपैक्ट करता है जो वो बाहर देखते हैं. इवन अ हॉस्पिटल्स लेआउट कैन इंपैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ. सो किस तरह से बना हुआ है वो हॉस्पिटल के ऊपर इंपैक्ट करेगा. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन, इफ पीपल गेट लॉस्ट इन हॉस्पिटल्स दे गेट स्ट्रेस, उनको दिक्कत आने लग जाती है, व्हिच लोअर्स देयर इम्यून सिस्टम एंड मींस देयर मेडिकेशन वर्क्स लेस. सो इस तरह से उनके ऊपर कम असर पड़ता है. तो ये सारी चीजें यहां पर कह रहे हैं कि इस तरह से होगा. देखिए सिमिलर बिल्डिंग की कोई बात की है, सिंपली बताइए सिमिलर बिल्डिंग की, जो सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग, डू यू थिंक दे हैव मेंशन्ड सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट, नहीं हुआ. लोकल रेसिडेंट्स की कोई बात की है, ये हमारा ऑप्शन तो चलो खत्म हो गया था. लोकल रेसिडेंट्स की कोई बात की है. अ टाइप ऑफ बिल्डिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस, कुछ ऐसी गाइडलाइंस जिस तरह की बात हो, नो. ओके, द नीड फॉर गवर्नमेंट एक्शन, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने यस कहा. अभी यहां पर गवर्नमेंट को एक्शन लेने की जरूरत है, कुछ इस तरह की बात आई है. देखिए यहां यहीं पर आपने दिमाग लगाना है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई. गवर्नमेंट की बात हुई है, नीड की कोई बात हुई है. देखिए यहां पर क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये चीज मतलब कर दी है. मस्ट बी मेट, मस्ट बी मेट का मतलब कि ऑलरेडी उन्होंने ये कह दिया कि ये तो करना ही करना है. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसा करना ही करना है. तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है वो चला गया. ओके, हमें ये भी पता है. ओके, आपके अकॉर्डिंग देखिए ये चीज तो 100% बात नहीं हुई, इस चीज की 100% बात नहीं हुई. उसके बाद फेलियर की कोई बात नहीं हुई, एकेडेमिक्स की कोई बात नहीं हुई, किसी तरह की निंदा की बात नहीं हुई. लेट्स से यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन बचा, बट आपने इसको पहले समझना है. अ टाइप ऑफ बिल्डिंग, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो टाइप ऑफ बिल्डिंग क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी विच टाइप ऑफ बिल्डिंग वी आर टॉकिंग अबाउट? क्या कोई भी स्टूडेंट आप में से बता सके, ऑफलाइन ऑनलाइन एनीवन? हॉस्पिटल, एग्जैक्टली हॉस्पिटल. हमें यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के जाते स्टूडेंट्स आई गेस इंडियन है, और इंडियन लोगों में क्या है कि वो जब किसी चीज के साथ अटैच हो उसको छोड़ते नहीं. अगर उनको पैराग्राफ एक आंसर नहीं मिलता ना, तो वो क्या करते हैं कि चलो मिला तो नहीं, कोई जो यहां से जो अच्छा सा लगेगा वो लगा देते हैं. चलो इसको अकेले को क्यों छोड़ना है, ऐसा नहीं करना. आप इसकी जो इसको गलत कर रहे हो, आप एक के साथ एक फ्री करते हो. तो इसलिए मैं जानबूझकर मैंने ए और बी का आंसर शुरू में नहीं लगाया, ताकि आप इसको समझ सको कि ये कितना जरूरी है. एंड में जाते जितने ऑप्शंस आपके कम हो जाएंगे उतना ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए. आगे चलते हैं, चलो ये चीज आ जाएगी आपको. हमने अभी एफ किया था, हमारे पास नहीं, सॉरी एफ एफ हमने अभी करना है. हाँ ये रहा. सो वन एरिया वेयर द फाइंडिंग्स फ्रॉम एनवायरमेंट बिहेवियर सर्च हैव सर्टेनली इन्फ्लुएंस, नहीं ये हमने एफ का आंसर लगा दिया ना. हाँ ये रह गया हमारा फोर्थ आंसर लगाना रह गया. हाँ अभी हम जी पढ़ेंगे. ओके, जी पैराग्राफ में आ जाइए. तो इसको भी हम टाइप ऑफ बिल्डिंग, ये आपका रिमूव हो गया. ओके आगे, फिर उसके बाद आ जाइए. अभी हमारा ए और बी रह गया. ओके अभी यहां पर इसको देखिए, पहले हम जब ए और बी कर रहे थे हमारे पास 10 ऑप्शन थे, और अभी सिर्फ 4 ऑप्शन है. यही ब्यूटी है
जब आप जल्दबाजी नहीं करते हो, कभी कभार पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना भी सही रहता है, जब आपको पता हो कि आप उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अगेंस्ट जाएं, बट सम हाउ और कभी कभार आपको पता होता है कि ये चीज, मैं कहूंगा कभी कभार आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज इस तरह की होती है, यू नो कि दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट पेरेंट्स मे भी ना समझ पाए, तब आप उसी तरह से, मैं एक चीज कहूंगा कि उसको छोड़ दें। ओके, ये चीज छोड़ दें। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, जस्ट लीव दैट आउट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि आप बाद में उनकी मदद ही करोगे, आपकी अटेंशन सही है। तो हम पैराग्राफ ए को दोबारा पढ़ते हैं। नाउ वी विल सी वेदर वी आर एबल टू फाइंड द आंसर और नॉट। पैराग्राफ ए देखिए, द स्पेस अराउंड अस अफेक्ट्स, मैं अभी जो, जैसे आप ज्यादातर केसेस में देखा है, आपने देखा होगा कि पहले लाइन में ही ज्यादातर आंसर, चलो इसका तो आंसर मिला नहीं, पहली लाइन में और लास्ट लाइन में आंसर मिला है। हमें पहली लाइन में मिल गया था, जैसे डिमांड बढ़ रही है, एक्सपेंशन वाला पैराग्राफ आंसर था। फिर देखिए पहली दो लाइंस में ही उन्होंने एक यूनिक ऑपरेशन की, दो अलग अलग तरह के स्टूडेंट थे। फिर उनके बाद देखिए यहाँ पर उनकी एक अलग तरह की जॉब की है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर आपका कंपनीज, ये चीज की बात आ रही है। फिर उसके बाद वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग, ये चीज आपका प्रिस्क्राइब, हाँ, बट वो चीज मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मैं वो चीज आपको बता देता हूँ ना, फिर आप जी को पूरा नहीं पढ़ोगे, उसकी वजह से गलती होगी और आपके जो बाकी तरह के आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके रह जाएंगे। अभी बी वेरी हैप्पी। यहाँ पर पैराग्राफ ए की फर्स्ट टू लाइंस, लास्ट टू लाइंस, द स्पेस अराउंड अस अफेक्ट्स अस प्रोफाउंडली, बहुत ज्यादा करती है, इन तीन लेवल्स के ऊपर फोकस करती है। इसकी एग्जाम्पल मिली हमने, जो स्कूल बहुत बुरा था अभी उसको बहुत अच्छा मान लिया गया है। लास्ट टू लाइंस देखिए, मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि उन्होंने कहा कि आई एम डूइंग माई रिसर्च, मैं करता रहा हूँ, बट ये चीज इंडस्ट्री इसका फायदा लेगी कि नहीं लेगी, आई डोंट केयर। तो इस तरह के मॉडल्स हम यहाँ पर इस बंदे की स्टडी में देख सकते हैं। ओके, सो पहले तो 100% श्योर हो जाइए लोकल रेजिडेंट्स की बात की है कि नहीं, लोकल रेजिडेंट्स, डू यू थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट लोकल रेजिडेंट्स? नो, तो हमें ये चीज तो 100% श्योर है, द नेगेटिव रिएक्शन ऑफ लोकल रेजिडेंट्स। ओके, उसके बाद देखिए क्या यहां पर सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स का कंपैरिजन हुआ है। इसको चलो मैं ना रख लेता हूं यहां पर, अदरवाइज बेकार सा हो जाता है। यहां पर सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग, ओके, तो हमें एक चीज की तो श्योरिटी है, चलो यहां पर इसमें से आंसर है या फिर इसमें से आंसर है, लेट्स सी, या तो सेवंथ आंसर है या फिर एट्थ आंसर है। अभी देखिए कितना आसान हो गया, पहले हमने 10 में से आंसर लगा रहे थे, 10 में से, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2 में से आंसर लगा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग सेवंथ, एंड डेफिनेटली सेवंथ इज योर आंसर, यू शुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज दिस वॉज अ वेरी हाई बैंड स्कोरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत हाई बैंड स्कोरिंग क्वेश्चन था, बट अगर आप इस चीज को समझ पाए हो दैट मीन्स यू आर ग्रेट। जैसे और नहीं भी समझ पाए, स्टिल यू आर ग्रेट बिकॉज आपने अगर 7 में से 5 आंसर भी सही कर लिए, 6.5 100% के ऊपर चले जाते हो। तो जैसे आपने क्या किया कि एकेडमिक्स विद अनहेल्पफुल एटीट्यूड, मतलब आपने एकेडमिक्स का मतलब रिसर्च तो की बट आपका जो एटीट्यूड था वो बहुत अनहेल्पफुल था। मान लीजिए जैसे ये चीज हो गई, जैसे उसने कहा था ना कि मैं रिसर्च तो कर रहा हूं बट इंडस्ट्री इसको समझती है कि नहीं समझती, आई डोंट केयर, द इंडस्ट्री कैन टेक इट, इंडस्ट्री इसको समझ भी सकती है और इसको छोड़ भी सकती है। मतलब रिसर्च तो कर रहा है, जैसे मैं आपको समझा तो पाऊं, आपकी इंप्रूवमेंट हो ना हो आई डोंट केयर, अगर मैं ऐसा कर तो, मतलब वो क्या होगा, एफर्ट्स बट विथ अनहेल्पफुल एटीट्यूड। समझ आया सभी आपको? किस तरह से यहाँ पर लास्ट टू लाइन्स, एवरी सिंगल टाइम लास्ट टू लाइन्स, फर्स्ट टू लाइन्स आर गोइंग टू डिफाइन वट योर आंसर इज। अभी आपने ध्यान देना है कि क्या वो चीज उसमें है कि नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया सेवंथ आंसर। अभी देखिए, पहले हमारे किसी भी स्टूडेंट ने इन द वेरी बिगिनिंग 1% एक बार भी आंसर नहीं दिया कि इसका आंसर सेवन हो सकता है, बट अभी आप देखिए कितने स्टूडेंट्स आप में से सेवंथ आंसर आप खुद लगा रहे हो। दैट मीन्स यू पीपल हैव द अंडरस्टैंडिंग। दिक्कत क्या हो रही है, स्ट्रेटजी गलत हो रही है आपकी, स्ट्रेटजी जो है वो चीज मैटर करती है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको याद होगा जो हमारा बी पैराग्राफ था, क्या आपको याद है, मैं एक बार बिना पढ़े कह रहा हूं कि हमने इसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें की थी, यहां पर क्राइम कम हुआ था, वहां पर ग्रीनरी थी, क्या आपको याद है कि ये चीज पॉजिटिव पैराग्राफ है, पॉजिटिव चीजों के बारे में है, याद है ना?
तो देखिए सिंपली अगर मैं इसको ये चीज कर दूं, लेट्स से यहां पर चला गया, उसमें देखिए क्या था, उसमें नेगेटिव रिएक्शन, कोई नेगेटिव रिएक्शन हुआ है क्या आपको लगता है? नेगेटिव रिएक्शन हुआ है? नहीं हुआ। किसी तरह की निंदा हुई है? निंदा, क्या निंदा हुई है? नहीं। हमारे पास आंसर बच गया। देखिए क्या ये चीज लग रहा है कि फर्स्ट आंसर है? पहले देखिए क्या लग रहा है, पहले हमारे पास 100% सारी चीजें रहेगी, बट सिमिलर बिल्डिंग्स, ये क्या है अभी? सिमिलर बिल्डिंग्स। देखिए लेट्स से सम टाइम्स यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, और अगर आपको नहीं भी पता, यू वुड स्टिल बी एबल टू फाइंड इट, जो मैंने मेथड बताया। अभी देखिए सिमिलर बिल्डिंग्स, क्या लगता है कि दे हैव टॉक्ड अबाउट सिमिलर बिल्डिंग्स और नॉट? थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को फीलिंग आ रही होगी कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग। ओके, बट हमारा आंसर तो यही आ रहा है जो बच गया एंड में, जो बिल्कुल एंड में बच गया। बट देखिए यहां पर सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग के बारे में बात की है, उन्होंने कहा है ना कि इनर सिटी, जिस इनर सिटी में पेड़ पौधे लगे थे वहां पर कम क्राइम था, और जिस सिटी में, यहां पर नो इनर सिटी में किसी तरह की ग्रीनरी वगैरह नहीं थी, वहां पर क्राइम ज्यादा था। तो वो जो सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग कौन सी है? इनर सिटी। जो इनर सिटी में पेड़ पौधे लगे थे कम क्राइम, कंपेयर टू दोस इनर सिटीज जिसमें पेड़ पौधे नहीं लगे थे। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अभी यहां पर सारी चीज क्लियर आउट हो रही है कि नहीं हो रही? ये चीज आपकी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? यहां पर आपके आंसर परफेक्ट आंसर।